महाभारत के युद्ध में जब हनुमान जी को महान योद्धा दानवीर कर्ण की मृत्यु का पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा और वे तुरंत ही युद्ध भूमि में महावीर कर्ण के पास पहुंचे और उनके पास जाकर विलाप करने लगे। ऐसा क्या कारण था कि हनुमान जी कर्ण के पास गए और उनका हृदय इतना व्याकुल था? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कर्ण और हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दानवीर कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा और संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। वास्तव में कर्ण महाभारत के एक महानायक हैं। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उनके अपने प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। कर्ण की वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु के समय तक अज्ञात ही रही। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को बहुत बड़ा दानी मानते थे और एक बार भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए गए और कर्ण से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। अनजाने में कि वे कर्म दूसरों की भलाई के कारण कर्ण को 3 श्राप मिले और जो उनके लिए प्राण घातक साबित हुए। उन्हें मिले 3 श्रापों में से 2 श्राप ब्राह्मणों ने अनजाने में बाण चलाने की वजह से दिए थे और उनका 3रा श्राप भगवान परशुराम ने दिया था। और युद्ध भूमि में जब घायल होकर कर्ण अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपका कर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वीर, इस संसार में कर्ण को दानवीर और वीर योद्धा होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तब अर्जुन बोले कि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और कर्ण के पास गए और उन्हें देखकर कर्ण ने ब्राह्मण से आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे दान मांगने आया था, लेकिन आपकी परिस्थिति देखकर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने अपने पहले वरदान में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने वर्ग के लोगों के लिए अगले जन्म में उनका कल्याण मांगा और अपने दूसरे वरदान में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरे वर में कर्ण ने अपना अंतिम संस्कार ऐसे व्यक्ति के हाथों मांगा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सारे वरदान स्वीकार कर लिए। कर्ण के तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगे जो पाप मुक्त हो, परंतु जो पाप मुक्त हो ऐसा कोई भगवान के मन में नहीं आया। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया और अपने दिए वरदान को फलित किया। लेकिन इस बीच जैसे ही हनुमान जी को कर्ण की मृत्यु का पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा और हनुमान जी तुरंत ही युद्ध भूमि में कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण के पास जाकर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, इस युद्ध में विजयी होने पर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण के होते हुए अगर तुम विजयी हो भी जाते तो तुम कंगाल ही हो जाते। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर केवल पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो देने के लिए जगत में विख्यात हो।
और फिर कर्ण को वरदान देते हुए हनुमान जी कहा कि स्वर्ग लोक हो या मृत्यु लोक, वीरों की सभा में तुम्हारा नाम हमेशा खड़े होकर और आदर सहित लिया जाएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।